हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज हम बात करेंगे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जूनियर असिस्टेंट जनरल ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020, जो आपके अदर एग्जाम्स लाइक IBPS, AFO, NABARD, FCI, ADO, HDO एक्सेट्रा एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसकी नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये सेक्शन जनरल इंग्लिश का है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट मीन द सेम एज गिवन सेंटेंस। द बस केम टू एन एब्रप्ट हॉल्ट। एब्रप्ट हॉल्ट मतलब इसका मीनिंग होता है अनएक्सपेक्टेडली, रुक जाना इसका मीनिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है नॉट द मीनिंग। नॉट मीनिंग मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस मीनिंग को नहीं शो करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकेंड, इट स्टॉप्ड स्मूथली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। वी आर थ्री सिबलिंग्स, हैंस I divided the slice into three pieces. So correct option is into. Next question, select the most appropriate article to fill in the blank. If no article is needed, select no. Sudeep has fill in the blank terrible fever. Correct option is A. Sudeep has a terrible fever. Next, select the most appropriate article to fill in the blank. Question, some of fill in the blank tomatoes are green. The correct option is the tomatoes. Select the most appropriate synonym of the given word. Synonym means samanarthi words. Samanarthi matlab jiska same meaning hota hai. To yahan pe rigid ka meaning kya hoga? Firm. Select the most appropriate synonym of given word. यहाँ पे भी synonym पूछा है. Lethargic means languid. Lethargic means होता है weak, मतलब बहुत थका हुआ या weak person. और languid का भी मतलब भी same होता है. Next question, select the most appropriate preposition to fill in the blank. Dhruv has returned to his hometown. The correct option is third, two. Next question, select the option that can be used as a one word substitute for the given phrase. One who craves in stone. मतलब ये यहाँ पे बताना है ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो स्टोन में क्रेविंग्स करके मूर्ति वगैरह, मूर्तिकार जिसको बोलते हैं उसका मीनिंग होगा यहाँ पे स्कल्प्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। अरेंज द पार्ट्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए, इनको आपको अरेंज करना है एज अ मतलब जिसका मीनिंगफुल सेंटेंस हो सके। तो इसका ऑप्शन आएगा थर्ड, मतलब कि रिटायरमेंट होम्स इन द US एंड द UK हैव इनकॉर्पोरेटेड म्यूजिक सेशंस इन द डेली लाइफ्स ऑफ देयर मेंबर्स। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा इंग्लिश की में, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द पार्ट्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। द करेक्ट ऑप्शन इज STPQR। इन ओल्ड एज द ह्यूमन ब्रेन मे रिमेन इन अ डिस्टर्ब्ड स्टेट एंड सफर फ्रॉम अनप्लीजेंट मेमोरीज। आपको हर सेंटेंस को रीड करना है पहले, उसके बाद आप इसे अरेंज कर लीजिएगा करेक्ट ऑर्डर में।
अब यहाँ पर कुछ कॉम्प्रिहेंसिव टाइप्स के क्वेश्चंस है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स अनसीन पैसेज टाइप को, आपको एक पैराग्राफ दे देगा और उसके रिलेटेड नीचे में आपसे चार पांच क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पैराग्राफ को पहले अच्छे से 2 मिनट देकर इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे क्वेश्चन का, एंड ओपेक पार्टीशन मीन्स, ओपेक मीन्स आपको पता है ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन ट्रांसपेरेंट। ये भी सेम क्वेश्चन है बट क्वेश्चन डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंक्लूजन ऑफ ऑडियंस इन द परफॉर्मेंस इज, या आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे, आपको पहले इस पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे पूछा है इंक्लूजन ऑफ ऑडियंस इन द परफॉर्मेंस, ये किसके बारे में पूछा है, तो ये ऑप्शन होगा ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल इज फ्रिक्वेंटली यूज फॉर, अभी हमने देखा था ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल विच मे बी एन ओकेजनल थिएट्रिकल प्रैक्टिस इज ए कॉमन टेक्निक इन फोक थिएटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोक थिएटर। देखिए ऐसे टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर ट्राई करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए। द फोर्थ वॉल इज इमेजिनरी, इट इज नॉट अ रियल, इमेजिनरी वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कॉम्प्रिहेंसिव ही है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर इसका ट्राई करिएगा बनाने के लिए। फिर ये तो हुआ हमारा फर्स्ट सेक्शन जो इंग्लिश का पोर्शन था, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे। वैसे सेकेंड रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन होंगे, फिर आपके मैथ्स के जनरल एप्टीट्यूड के भी 15 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर का पार्ट आएगा। यहाँ पर पूछा है करेक्ट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब ये सीरीज दी हुई है आपको, इसको कंप्लीट करनी है कि आगे क्या आएगा, आप इसे बना के ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है ये स्पीड एंड डिस्टेंस के, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू, मतलब असर्शन एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन, या दो स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी और उसके हिसाब से आपको कंक्लूजन डिसाइड करना है कि कौन सा सही होगा। ये नंबर कोडिंग के हिसाब से, मतलब FISO को अगर 36194 बोला जा रहा है, UN को 2514 बोला जा रहा है, तो सीरियल को कौन से नंबर से डिनोट किया जाएगा, ये आप सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। ये कुछ फिगर्स वाले क्वेश्चंस भी है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में बोला है अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द नंबर इन द गिवन फिगर एंड डिसाइड विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अच्छा, यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, आप इस पैटर्न को क्लोजली देखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसका रिलेशन इसमें क्या है, इसमें क्या है, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आएगा। ये भी कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। ये स्पीड एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। ये पोर्शन जो मैं आपको बता रही हूँ उसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि आपका वहाँ टाइम वेस्ट ना हो सके। एक इमेज वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन सा आपका अल्फाबेट ऑर्डर आएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है चिकनी मिट्टी रेतीली मिट्टी से भिन्न होती है, ये तो आपको पता है कि ये सही है। फिर सेकंड क्वेश्चन बोला है, इसका रीज़न दिया हुआ है, ये मतलब क्वेश्चन है उसका रीज़न दिया, असर्शन है, ये उसका रीज़न है, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता रेतीली मिट्टी की अपेक्षा कम होती है, बट ये भी सही है, आपको पता है ये भी सही है। नहीं नहीं सॉरी, क्या बोला, चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता रेतीली मिट्टी की अपेक्षा कम होती है। नहीं, ये तो गलत बोला, रेतीली मिट्टी की जबकि कम होती है, चिकनी मिट्टी की तो ज़्यादा होती है। चिकनी मिट्टी मीन सिल्क, सॉरी सिल्क सिल्क
टिल्ट सॉइल के बारे में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए सही है परंतु आर गलत है। ऐसे टाइप से आप क्वेश्चनों को अगर पढ़ेंगे तो आप जल्दी बना पाएंगे उसे। ये रिलेशन वाला, फैमिली रिलेशन वाला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच दिखाए गए हैं, ए का पुत्र है, ऐसा करके क्वेश्चन है, हिंदी में है, आप इसे इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हैं। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। देखिए सब टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है उससे एक एक क्वेश्चन तो सबके आए ही हुए हैं, तो आप सारे जो भी सिलेबस में आपका पैटर्न दिया गया है उससे सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप जाइए, तभी आप ये सब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। ये रीजनिंग का पोर्शन शुरू हो गया है इसलिए यहाँ पर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो चलिए हम इसे जल्दी जल्दी आगे जाते हैं, फिर अपन एग्रीकल्चर पोर्शंस को डिस्कस करेंगे। परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, इंटरेस्ट वाले, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है। फलों के बक्से में 4 सेब, 5 संतरे और 6 अनार हैं, तो बक्से में से 3 फल अक्रमित रूप से निकाले जाते हैं, इसकी संभाव्यता कितनी है कि वे सभी संतरे हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से ये हम डिस्कस कर लेते हैं। भारत का सुदूर पूर्वी देशांतर, फिल इन द ब्लैंक है, पूर्वी देशांतर मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, तो ये हमारा क्या होता है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 2019 में महात्मा गांधी के आदर्शों को बढ़ावा देने में सहायता देने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की घोषणा की। द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, पुर्तगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड। द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, इस्थमस ऑफ पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017-18 में भारत विश्व में चावल का डैश निर्यात था, निर्यातक था। द करेक्ट ऑप्शन इज सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 दिसंबर 2019 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार US$2.52 बिलियन से बढ़कर हो गया। द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, US$457.47 बिलियन। निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीकी महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, माउंट किली मंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय रूप से रहने के लिए किसी नए विदेशी स्थान पर जाने वाले प्रवासियों को डैश कहा जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, इमिग्रेंट्स, आई वाला ही है ना, इमिग्रेंट्स, इंग्लिश में नो कन्फ्यूज। निम्नलिखित में से किस देश ने 2019 में अपना पहला उपग्रह रावण 1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य सरकार ने दिसंबर 2019 में राज्य के सभी घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल साथी कार्यक्रम आरंभ किया? कहाँ पर? उड़ीसा ने। भारत रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2020 को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए नई करेंसी नोटों की पहचान हेतु निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग का प्रमोचन किया गया था? द करेक्ट ऑप्शन इज मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने अंग्रेजी भाषा के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, शशि थरूर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2019 में मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम भारतीय कलाकार डैश के नाम पर रखा है। द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, पंडित जसराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बिपिन रावत। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? लूनी। 2019 में संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस को दशक का सर्वाधिक प्रसिद्ध किशोर या किशोरी घोषित किया गया था? द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, मलाला यूसुफजई को। द मैक्सिमम अब ये हमारा सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, जीके से भी आपको 15 क्वेश्चंस मिले थे। सब्जेक्ट नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन अराउंड द वर्ल्ड ड्यूरिंग 2018-19 वाज। द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, यूएसए। इन इंडिया वन कॉटन बेल इज इक्विवेलेंट टू। द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, 170 kg। अवरोधी इज ए वैरायटी ऑफ, अवरोधी किसकी वैरायटी है? चिकपी, ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉक्सियस वीड? द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the recommended spray volume for ultra low volume spray? The correct option is 4th, 1-5 liter per hectare. Next question, the siphoning type of mouthpart are present in butterflies. Next question, ichthyosome in insect is an? The correct option is A, molting hormone. Next question, the seed rate for a timely sown wheat crop is? The correct option is A, 100 kg per hectare. Next question, which of the option is an example of secondary tillage implement? The correct option is third, harrow. Next question, stem nodules are found in? The correct option is second, aschinomyini. Next question, who is the ex officio president of the ICR society? The correct option is A, Union Minister of Agriculture. Next question, the National Bureau of Agriculturally Important Microorganisms is located in? The correct option is third, UP. Next question, Koch postulates state. The correct option is second, the pathogenicity of causative agents. Sorry for the trouble. Next question is, 2,4-D is an effective for the management of? The correct option is third, Chenopodium album. Next question, virion is an? The correct option is second, genetic material with protein coat. Next question, the leguminous green manure plant of the following is? The correct option is first, Sesbania rostrata. Next question, निम्नलिखित में से कौन सा पंचगव्य का एक घटक नहीं है? द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, नीम की पत्तियों का अर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया इज? द करेक्ट ऑप्शन इज ए, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शुड बी कंसिडर्ड वाइल प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग? द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, मेंटेनिंग अ लिविंग सॉइल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च इज सिचुएटेड एट, द करेक्ट ऑप्शन इज ए नागपुर महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटैक ऑफ विच इंसेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस डेड हार्ट सिम्टम्स इन प्लांट, द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ सिर्पोफागास इंसर्ट्यूलास दैट इज येलो स्टेम बोरर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज आर रिकमेंडेड बाई, द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि फॉस्फोरस की अनुशंसित खुराक 60 kg पर हेक्टेयर है तो 1 एकड़ क्षेत्र के लिए DAP की आवश्यकता मात्रा कितनी होगी. फॉस्फोरस DAP में आप जानते हैं कि फॉस्फोरस का परसेंटेज कितना होता है, 46. तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए 100 डिवाइडेड बाई 46, द आंसर इज 2.17, देन इट इज मल्टीप्लाइड बाई 60, द आंसर इज 130 पॉइंट समथिंग. तो ये 1 हेक्टेयर के लिए हो जाएगा. और पर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 एकड़ के लिए. तो 1 हेक्टेयर में 2.4 एकड़ होता है, 2.1417 आई थिंक एकड़ होता है. तो उससे डिवाइड कर लीजिए आप 130 को, देन द आंसर इज 52.17 kg. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनारोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ क्लस्ट्रीडियम. द मैक्सिमम ग्रोन स्पीशीज ऑफ कॉटन इन इंडिया इज, द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड गॉसाइपियम हिर्सुटम. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेगमिना इज प्रेजेंट इन, द करेक्ट ऑप्शन इज ए ग्रास हॉपर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेट्राजोलियम टेस्ट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड सीड वायबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक इज ए नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड पैराक्वेट. नॉन सेलेक्टिव मीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, धान की कटाई के बाद कंबाइन हार्वेस्टर के साथ किसी मशीन का उपयोग कर धान के ठुंठों को मिट्टी में मिलाने और गेहूं के बीजों को बोने की क्रिया एक साथ की जाती है, द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ सुपर सीडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट पॉपुलेशन लेवल एट विच मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी इनिशिएटेड इज नोन एज, द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थेनियम हिस्टेरोफस कैन बी मैनेज बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायो कंट्रोल एजेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ए जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपोजियल जर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, हाइपोजियल मीन्स जब कॉटिलिडन जो होता है वो सॉइल के नीचे में होता है, सॉइल सरफेस से नीचे होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड पीजन पी. प्रयोग के दौरान पानी रिसाव कारण पोषण तत्वों की हानि को फिल इन द ब्लैंक विधि की सहायता से निर्धारित किया जाता है, द करेक्ट ऑप्शन इज लाइसीमीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, द करेक्ट ऑप्शन इज ए पेट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोट्रीचिया कॉन्सनग्विनिया इज ए मेजर पेस्ट ऑफ, होलोट्रीचिया कॉन्सनग्विनिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइट ग्रब, द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ग्राउंडनट. ड्यूरिंग द मार्केट ईयर 2016-17 इंडियाज कॉटन प्रोडक्शन वॉज, द करेक्ट ऑप्शन इज 345 लाख बेल्स. The crop having maximum total sown area in India during 2018-19 was, the correct option is second, rice. The government of India has been promoting organic farming in the country through which of the four below schemes, the correct option is fourth, Paramparagat Krishi Vikas Yojana, PKVY. As of 2019, India ranks first in the production of milk. The correct full form of IFOAM from the option is, the correct option is fourth, International Federation of Organic Agriculture Movement, situated in Germany.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्रिकियाना मेलेनोल्युका इज अ बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ, द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड शुगरकेन पायरिला. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म हैबिटेट मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू, फर्स्ट इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ लॉन्ग स्टेपल कॉटन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 इज रुपीज 5500, 5500. द बोरो राइस इज हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड अप्रैल मे. सोइंग पूछेगा तो नवंबर दिसंबर. कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा स्थान है, द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ स्वीट कॉर्न, द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ जियामेस सेकेराटा. द हेड ओरिएंटेशन फाउंड इन हेमिप्टेरियन इंसेक्ट, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑफिस्टोग्नेथस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्री एमर्जेंस हर्बिसाइड इन पल्स ऑफ द फॉलोइंग इज, सॉरी इन पल्सेस ऑफ द फॉलोइंग इज, द करेक्ट ऑप्शन इज पेंडीमिथैलिन. मिनरलाइजेशन इज कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू इनऑर्गेनिक फॉर्म. प्रत्येक 2 हेक्टेयर भूमि के लिए एकल फसल पद्धति के तहत निम्न में से किस ट्रैक्टर के उपयोग की अनुशंसा की जाती है, द करेक्ट ऑप्शन इज 3.1 HP हॉर्स पावर ट्रैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार यदि क्लेम के निपटान में 30 दिनों से अधिक की देरी होती है तो बीमा कंपनियों द्वारा ब्याज की किस राशि का भुगतान किया जाता है, द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड 12%. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ओनली वन इरिगेशन इज अवेलेबल देन एट विच स्टेट ऑफ द वीट क्रॉप शुड इरिगेशन बी गिवन, द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड CRI स्टेज क्रोन रूट इनिशिएशन. बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिया इज डिवाइडेड इन टू - एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ 15. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सीड जर्मिनेशन टेस्ट फॉर रेपसीड मस्टर्ड इज पेट्रीडिश मेथड. हाउ मेनी KVKs आर एट प्रेजेंट इन इंडिया 716. विच क्रॉप ऑफ द फॉलोइंग हैज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन इट्स रूट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ पी. नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास 120 इज एन अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी ऑफ, द करेक्ट ऑप्शन इज ए पिजन पी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉटन वेराइटी वारालक्ष्मी इज एन, द करेक्ट ऑप्शन इज ए इंटर स्पेसिफिक वेराइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक 4-स्ट्रोक इंजन की विशेषता नहीं है, द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वजन और आकार में हल्का और छोटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन, द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड एपिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मालपिजियन ट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन, द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड एपिड्स. होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए. इससे हमें और भी मोटिवेशंस मिलती है आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए. अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर एंड GK यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया.